चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। जेई मेन 2024 में 30 जनवरी को कौन सा पूछा है? ये इलेक्ट्रिक स्टैट्स का क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। कह रहे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल वी हैज एनर्जी ई। क्या क्या गिवन है? एनर्जी कह रहा है कि ई लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है और कैपेसिटेंस सी है। इट इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस टू सी एंड पोटेंशियल टू वी। देन द लॉस ऑफ एनर्जी इज एक्स बाई थ्री, वेयर एक्स इज। अब पहला कि जो एनर्जी ई हो है, पहला जो गिवन है वो कितना है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है, राइट ना। सेकेंड वाले केस में जो एनर्जी है इसको आप E1 मान लीजिए, और इसे ये दिया हुआ है E के बराबर है। E2 कितना होगा? E2 होगा सर हाफ कैपेसिटेंस इज टू टू सी इंटू टू वी स्क्वायर। दूसरे का जो एनर्जी है उसको अगर फाइंड करते हैं तो ये आपको मिलता है, क्या मिलेगा एनर्जी? 8 इंटू हाफ सी वी स्क्वायर होगा ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू टू 8, 8 को बाहर रख लिया है, हाफ सी वी स्क्वायर अलग कर दिए। ऐसा क्यों किया है? E2 है हमारे पास 8E। तो जो इनिशियल एनर्जी है वो हमारे पास कितना गिवन है? सर इनिशियल एनर्जी जो हमारे पास गिवन है वो हो जाएगा 8E प्लस E यानी 9E। अब दूसरा काम क्या करना है? फाइनल एनर्जी आपको पता करना है। फाइनल एनर्जी कैसे मिलेगा? तो देखिए जब दो कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट ना, तो पहला चीज जो होगा वो ये होगा कि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने के लिए कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सी वी चार्ज जो था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, और यहाँ पे क्यू डैश या क्यू टू, इसको क्यू वन इसको क्यू टू मान लीजिए। ये कितना था सर? ये होना चाहिए हमारे हिसाब से 4CV, 2C इंटू 2V। तो ये Q2 ज़्यादा है। अच्छा Q2 ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका ज़्यादा है। अगर आप इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस। अच्छा ये टर्मिनल कैसे कनेक्ट किया गया है ना, उस पर भी कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है। पर अभी के सिचुएशन में मान लेते हैं कि दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर रहा है, तब भी कुछ चार्ज इधर से इधर जाएगा ताकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2V से कम हो जाए, और फाइनल स्टेज में इस पे जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो सेम होगा, राइट सर? चार्ज सेम होगा या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ सेम हो जाना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के लिए क्यू की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? नया जो क्यू आ रहा है वो कितना होगा और नया पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आएगा ये देखना है। तो एक काम कर सकते हैं, जो यहाँ पे चार्ज आया है ना क्यू वन डैश, नया जो चार्ज आया है क्यू वन डैश वो हो जाएगा सर आपका सी इंटू वी डैश। क्यू टू डैश जो होगा वो टू सी इंटू वी डैश, और दोनों का सम क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश इज इक्वल टू होगा 3CV डैश। और ये पहले का Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए, राइट ना। तो पहले का Q1 प्लस Q2 की अगर बात करें वो कितना है हमारे पास? 4CV प्लस CV, 5CV है ना। हाँ सर राइट। तो नया जो V डैश निकल के आया वो कितना आया? C से C गया, V डैश आ रहा है सर 5/3V। नया वी डैश क्यों पता किए? अब इस नए वी डैश के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दोनों पे जो एनर्जी आया है बाद का फाइनल एनर्जी ये पता करना है। दोनों पे बाद का जो फाइनल एनर्जी आया है उसके लिए थोड़ा स्पेस लेते हैं। सबसे पहले E1 डैश हाफ CV स्क्वायर है ना, C तो वही है पुराना वाला, V स्क्वायर में आ जाएगा, V स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25/9। सर
इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ये हो गया 25/9e। ई टू कितना हो गया? ई टू सर हाफ इंटू टू सी इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो वी डैश स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे वी डैश स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये फिर से वही आएगा वी स्क्वायर इंटू 25/9। सर तो ये आ गया 50/9e। ओके अब क्या करें? अब आपको फाइनल एनर्जी देखना है। टोटल फाइनल एनर्जी जो होगा ई एफ टोटल वो दोनों का सम होगा। 50 + 25 कितना? 75/9e। और इससे हम लिख सकते हैं 25/3। कह रहे द लॉस ऑफ एनर्जी इज एक्स बाई थ्री। लॉस के लिए क्या करना है अब आपको? आइए लॉस जो होगा वो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल होगा, यानी 9e - 25/3। ये कितना हो जाएगा? 27 - 25 मतलब 2/3e। और इसकी वैल्यू जो गिवन है वो कितना दिया हुआ है? एक्स बाई थ्री ई। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हुआ? यहाँ पे ये एक्स और यहाँ पे टू, ये दोनों इक्वल होगा तभी दोनों बराबर होगा। पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू क्या होगा इस सिचुएशन में। एक्स की वैल्यू सर होगा टू। चेक कर ले आंसर, बिल्कुल सही आंसर है।